वो हंस रहे हैं आपके कमेंट पे, देख रहे हो आप? इसका मतलब जो आपने बोला गलत है, वो जो हंस रहे हैं तो उनसे पूछे मैं क्या लग रही हूँ। अरे मजाक कर रहे हैं, डोंट वरी, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बताएं। थैंक यू, आई थिंक आज आई हैड टू लिव अप टू द अवार्ड आई हैव रिसीव्ड। कैन आई गेट माय अवार्ड? आई एम द ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी इंसान हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे चाहे वो फैशन हो, चाहे वो मेरे कैरेक्टर्स हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो अब जो आगे जो मीडियम आएगा वो हो, आई थिंक आई लाइक टू बिलीव दैट मुझे अगर ये मिला है तो आई एम श्योर उसके पीछे बहुत बड़ा उन्होंने सोच के दिया होगा, दैट आई सेट ट्रेंड्स, एंड आई थिंक इट्स अ बिग 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 कॉम्प्लीमेंट टू मी। और इट्स फीलिंग एक्साइटिंग, इसलिए आज मैंने कहा कि कुछ एक्सपेरिमेंट ही करना चाहिए। और मुझे सुनने को मिला कि मैं लेडी गागा लग रही हूँ। ओके ओके, बट या आई थिंक आई लाइक द फैक्ट दैट आई गो ऑल आउट। मैं डिजर्विंग हूँ, हाउ स्वीट, थैंक यू। थोड़ा सा बहुत लोग फियर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जब आप एक टीवी एज अ मीडियम कर रहे होते हो तो आप थोड़े से ना मोनोटोनस हो जाते हो, क्योंकि आप 3-4 साल एक ही टीवी शो कर रहे हो तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते नहीं हो। बट दैट्स नेवर द केस विद मी। आई वॉन्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट एंड आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट एंड आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई सेल्फ एंड द पीपल अराउंड मी। ट्रेंड सेटर है, मुझे लगता है थोड़ी गलती हो गई है अंदर, मुझे स्टाइल दीवा मिल गया है, तो वील हैव टू एक्सचेंज दैट, सो वील चेंज इट, नो प्रॉब्लम। तो हूँ मैं एक्चुअली ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर, एंड बहुत अच्छा लगता है सुनना, बिकॉज ये एक ऐसा नाम है जो मुझे, आई थिंक आई लाइक द फैक्ट दैट आई गेट टू हियर समथिंग लाइक दिस, बिकॉज आसान नहीं है सेट करना ट्रेंड्स, एंड आई लाइक द फैक्ट दैट आई हैव बीन अवार्डेड एज ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर। क्यों, मेरा खुद का पर्सनल नहीं हो सकता? मतलब मुझे उनसे इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी अब? मतलब ऐसा नहीं है, रणवीर रणवीर है यार, सुरभि है, और आई काइंड ऑफ फील दैट आई हैव नॉट डन समथिंग लाइक दिस एवर, और मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ ऐसा अलग करूं। यू नो यू गेट टू सी सच गर्ल्स ऑन द रैंप as models, as fashion week mein walk karte hue, so it's an inspired Paris fashion week inspired dress, so I'm going to be very honest and I wanted to experiment with my and something exciting. Yeah, so ye jo aapke like hair, I think mere hi hai, kisi ke nahi hai, aur kahin se leke nahi aaye hain. So ye pink ka, ye jo aapne banaya hai, yes, ye thoda sa difficult hai achieve karna, वेरी ऑनेस्टली, एंड बट अगर आपकी टीम खतरनाक हो तो हो जाता है। सो आई हैड माई हेयर स्टाइलिस्ट हू गॉट इट टुगेदर एंड इट्स माई हेयर ओनली, इससे पहले कि कोई लोग जंप करे कंक्लूजन्स। डन, ऐसे आप बैठे थे आज बुक लेके कि सुरभि जी आएंगी और सुरभि जी को हम सवाल पूछेंगे, पूछे ना। That's what I'm saying. I kind of feel कि अभी मीडियम भी बहुत हमारे पास वाइडन हो गया है, एक्टर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, एंड वहाँ पे भी सेट करने का आइडिया है ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ बी इट वेब। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, सो लेट्स सी। एक मिनट, ये दरवाज़ा बंद हो सकता है क्या? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसे टीवी एज अ मीडियम में मैंने काफ़ी एक ही शो में, जैसे मैं जब अपना पहला शो कर रही थी उसी में मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले कर लिए, मुझे ऐसा लगा कि टीवी में अब फिर मैं डॉक्टर बन गई, फिर मैं नागिन भी बन गई, सांप बन गई, सो मुझे ऐसा लगा दैट इट्स अबाउट टाइम दैट आई डोंट नो, मैं ना एक्चुअली चलती हूँ अपने इंस्टिंक्ट पे, और मुझे मैं ही जाऊँ क्या दरवाज़ा बंद करके आऊँ, मैं
कोई नहीं हो गया, मैं अपनी इंस्टिंक्ट पे चलती हूँ एंड आई फील इफ द स्टोरी हैज दैट मैटर मटेरियल मैं करूँगी, कुछ भी हो सकता है वो, आई डोंट नो, इट कैन बी एनीथिंग, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम गोइंग टू, व्हाट्स गोइंग टू कम माय वे, बट आई एम ओपन टू एवरीथिंग. एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली पता नहीं बहुत लोग जानते हैं कि नहीं, बट मैं आज जब सबको देख रही थी यहाँ पे और सब ऐसे सूटेड थे, तो मुझे अपने ऑफिस डेज याद आ गए. मैं काम करती थी बिफोर आई वॉज एन एक्टर एंड सबको ऐसे देख के मुझे अपने दिन याद आ गए कि कैसे हम भागा दौड़ी करते थे. यू नो आई वॉज अ इवेंट मैनेजर एंड आई यूज टू मैनेज इवेंट्स एंड आई यूज टू मैनेज द इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ दैट इवेंट. तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है उस चक्कर में और उन सबको मैं ऐसे ही हम लोग को रेडी होके बोलते थे हमारे जो बॉसेस थे दैट यू हैव टू बी प्रिम एंड प्रॉपर एंड टुडे व्हेन आई लुक एट देम आई वेंट बैक टू दैट मेमोरी. बट वो मेरी जो अंदर की लीडरशिप क्वालिटी है जॉब को लेके, काम को लेके, चाहे वो आगे जाके प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, आई डोंट नो एनीथिंग, बट वो होगा बिकॉज वो कभी आई कॉन्ट लेट दैट डाइंग एंड दैट्स गोइंग टू हैपन. आई हैव अ फीलिंग कि मैं क्या पता बहुत जल्द अनुष्का शर्मा के पाथ पे जाऊँ. आई लाइक द वे दैट शी इज़ अ प्रोड्यूसर एंड आई लाइक द फैक्ट दैट लॉर्ड ऑफ आलिया नाउ इज़ अ प्रोड्यूसर एंड आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेना, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जानती हूँ, तो आई थिंक दैट माइट जस्ट बी माई फ्यूचर प्लान. सो बिजनेस वूमन ऑफ द ईयर हो सकता है. Yes, best producer. Thank you for asking that. Thank you. होली मैं खेलती नहीं हूँ, मैं होली की विश भी नहीं हूँ. सच बात है, क्योंकि आई एम अगेंस्ट होली. उम्मीदें बढ़ रही हैं. और बोलो, करती जाओगे आज पूरी रात? पूरा दिन यही करते हो? थैंक यू वेरी मच गाइस. थैंक यू आप लोग को होली की शुभ